अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। Hey everyone, how are you today? This is Dr. Education. I am Dr. Paramjeet. I hope people start joining me today and welcome. मैं अब ये नया सेशन शुरू कर रहा हूँ जिसमें कि हम ऐसे ही लाइव आके आपके सवालों के जवाब देंगे। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और बहुत सारे सवालों को पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा। हाय हाय सुजल जी, वेलकम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सो आई एम हेयर टू आंसर योर क्वेश्चंस, मेडिकल क्वेश्चंस। सो इफ़ यू हैव एनी हेल्थ क्वेश्चंस डू आस्क। हाय हाय मिस्टर गैरी, आपके कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए। और ऐसे ही डेली वील ट्राई टू कम लाइव, कभी भी जब भी वक्त मिले, जब भी फ्री, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, वॉट एवर टाइम आई एम फ्री, आई ट्राई टू कम लाइव, राइट? सो दिस इज़ अनदर अपॉर्चुनिटी कि आप लोग हमसे सवाल पूछ सकें। आई होप वॉइस इज ओके, यू कैन हेयर मी। सो प्लीज़ डू लेट मी नो इफ़ एनी क्वेश्चंस, कोई भी सवाल अगर कोई पूछना चाहता है, मेडिकल क्वेश्चंस, राइट, एनी हेल्थ केयर रिलेटेड क्वेश्चंस, बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड क्वेश्चंस, मेडिकल रिलेटेड क्वेश्चंस, राइट? So I don't think people have yet joined. Nobody knows, I think. Although I have that circulated, तो मुझे थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा. That's good. Hello, hello, Kishan ji, hello, hi. So Zainab ji has also joined. Hello everyone. So welcome. And hello Bilal ji, very nice. Welcome, welcome. So tell me, hello, hello, so many people, very good, now that's like it. How are you guys, how are you doing? Awaaz waaz theek aa rahi hai? Matlab ye pehli baar kar raha hu main Instagram live, I really don't know, I mean whether this will work or not. Main kaha chalo try karte hain, hai ki nahi? Hi ji, hello, hello, hello everyone, hi everyone. माई ब्रदर चेस्ट इज़ लुकिंग लाइक अ, अच्छा ब्रदर चेस्ट इज़ लुकिंग लाइक अ गर्ल, अच्छा जी। सुजल जी, गायनेकोमास्टिया बोलते हैं इसे, गायनेकोमास्टिया में के ऊपर एक वीडियो है हमारा, वो जाके देखिए। कई दफ़ा इट इज़ नॉर्मल थिंग, नॉर्मल इन द सेंस कुछ दिनों में, कुछ सालों में ठीक हो जाती है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन उसका है, आप उसमें ना कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं होती कि ये वाली एक्सरसाइज कर लो या चेस्ट वाली एक्सरसाइज कर लो तो जाएगा या फिर कोई वो कर लो तो जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स की भी होती है, आपने देखा होगा। सो अल्टीमेटली उसका एक वीडियो है, डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे, आप यूट्यूब पे टाइप करिए गायनेकोमास्टिया बाय डॉक्टर एजुकेशन, आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें बताया है, सारा तरीके बताए हैं, उसको फॉलो करिए, ठीक हो जाएगा। ओके, सो बिलाल जी पूछ रहे हैं, ज़्यादा प्रोटीन लेने से किडनी स्टोन होता है क्या? कुछ दिनों के लिए हाई प्रोटीन डाइट ले रहा हूँ, प्लीज़। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, किडनी स्टोन नहीं होता है, राइट? और किडनी स्टोन्स प्रोटीन पे डिपेंड नहीं करता, किडनी स्टोन्स स्टोन किस प्रकार की चीज़ें, और सबसे बड़ा कारण किडनी स्टोन का है कम पानी पीना, क्योंकि किडनी इज़ लाइक अ फिल्टर, राइट? होता क्या है, जब मान लीजिए चाय है, चाय बनाते हो फिल्टर पानी में, छन्नी में डालते हो, तो तेज़ डालोगे तो पानी का फ्लो ज़्यादा होता है तो वो फटाफट निकल जाता है, इवन एक छन्नी ख़राब हो गई है थोड़ी सी तो भी निकल जाता है। सेम वे अगर किडनी में प्रेशर से जाएगा, ज़्यादा पानी रहेगा तो प्रेशर से यूरिन निकलता रहेगा, तो कभी भी कोई स्टोन नहीं बनेगा, स्लो जाता है, क्योंकि आप पानी नहीं पीते तो आपकी किडनी भी कम यूरिन बनाती है, तो फिर क्या होता है, भारी 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 सामान जो है नीचे बैठ जाता है, क्योंकि फ्लो ही नहीं है, इसलिए पथरी बनती है। सो पानी ज़्यादा पीना इज़ वन बिगेस्ट वे कि आप प्रिवेंट कर सकते हो स्टोन्स, राइट? वो करिए, बिल्कुल किडनी ले सकते हो जी। नहीं किशन जी, मेरी हैंड राइटिंग ख़राब तो नहीं है, पर ऐसी बहुत ही अति सुंदर भी नहीं है। ओके ओके जी हाँ, कुछ है क्या? हाँ अच्छा, चिया सीड हेल्दी? हाँ बिल्कुल हेल्दी है, चिया सीड्स आर गुड। हाँ नहीं, अच्छा चिया सीड हेल्दी है और उसमें अच्छे हैं, ओमेगा थ्रीज हैं, तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बट ऐसा नहीं है कि वही खाओगे तो मिलेगा, और बहुत सी चीज़ों में है। सो इफ़ यू कैन इनकॉर्पोरेट थोड़ा बहुत चिया सीड आप ले सकते हो। हेलो हर्षदीप जी, हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम।
ये कैसा लगा आपको आइडिया? अच्छा है, मतलब इंस्टाग्राम में हम कभी भी, जैसे अभी मैं ओपीडी में बैठा हूँ, बहुत सारे पेशेंट देख लिए, अब थोड़ा सा टाइम मिला, मैंने कहा चलो कुछ नया करते हैं, है कि नहीं? सो आई थिंक लाइव इज़ गुड, कमिंग ऑन लाइव, क्योंकि आपके सवालों के जवाब, बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, डेली बेसिस पे देना मुश्किल हो जाता है, राइट? तो यहाँ दे देंगे, कोई नहीं। अब जैसे फ़ोन आ गया, बताइए, होल्ड करिए ज़रा। हेलो, हाँ मैं बेटा ओपीडी में हूँ। ओपीडी में सर एक फाइल चेक करानी थी। हाँ ओपीडी में आ जाओ। ठीक हाँ जी, हेलो, आई डोंट नो ये लाइव वीडियो को क्या हुआ। कैन यू हियर मी गाइस? ये थोड़ा सा गड़बड़ है। हेलो, हाय, लाइव टूट गया क्या? नहीं, है। ओके, नाइस। सो अभी मेरे को फ़ोन आया था, आई मीन मेरे फ़ोन पे। आप, क्या हुआ था, लाइव डिस्टर्ब हो गया था क्या? मतलब थोड़ा मुझे आइडिया दो, ताकि मुझे पता चले ये कैसे चलता है लाइव सिस्टम। मतलब आई ऑब्वियसली फ़ोन से ही करूँगा, तो फ़ोन तो बीच में आ सकते हैं। सो इन केस फ़ोन बीच में आता है तो लाइव रुक जाता है, व्हाट हैपन्स इज कि आई मीन आई डोंट नो, आई होप आपको समझ सुनाई दिया। एनीवेज बीच में मैं जवाब दे देता हूँ, प्लीज़ मोर टॉक अबाउट सैंडलवुड ऑयल। सैंडलवुड ऑयल पे कितनी बात करें, देखिए बिल्कुल करना, जो सवाल है बताइए, मैं यही जवाब दे दूंगा आपको, है ना? क्योंकि जितना उसमें नॉलेज है वो मैं सारा बता चुका हूँ, बाकी आप क्या पूछना चाहते हैं आप यही पूछ लीजिए। आ जाओ बेटा, आ जाओ। ला, क्या है फाइल में? अबाउट एलम, बेटा पेन कहाँ गया मेरा? ये है, एक सेकंड रुक जाइए, मैं ज़रा एक डिस्चार्ज पेपर चेक कर लूँ। हाँ, फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग। ड्राई फास्टिंग क्या करना चाह रहे हैं आप? डिस्टर्ब हो गया था, अच्छा रुक गया था, चलो फिर रुक गया था लेकिन फिर से आ तो गया ना, वो अच्छी बात है। सो लोग पूछ रहे हैं, बेंजोइल परोक्साइड स्किन पे थोड़ा जलन कर रहा है, थोड़ा सा नोज पे ड्राइनेस कर रहा है, फैल रहा हो, बंद करूँ या चालू करूँ? अगर स्किन पे जलन कर रहा है तो बंद कर दीजिए बेंजोइल परोक्साइड, या तो आप ज़्यादा लगा रहे हो, बेंजोइल परोक्साइड ने ऐसा नहीं करना चाहिए। आई मीन बहुत माइल्ड है वो, आप 2.5% से शुरू करिए। अगर बेंजोइल परोक्साइड आपको जलन कर रहा है तो उसको बंद कर दो, और फिलहाल कुछ दिनों के लिए कुछ मत लगाओ, आफ्टर मे बी एक हफ्ते के बाद आप ग्लाइकोलिक एसिड शुरू करके देखिए, ग्लाइकोलिक एसिड या लैक्टिक एसिड शुरू करके देखिए, बहुत माइल्ड डोज, सबसे मिनिमम डोज शुरू करा करो, हैवीएस्ट डोज नहीं जाना कभी भी, दिस इज रॉन्ग। ओके, सो एक्नी हो, स्कार हो, ये अच्छी ट्रीटमेंट्स हैं, सो उसको शुरू करिए, राइट? कुछ दिनों के लिए हाई प्रोटीन तो हो गया ना, ये मेरा डिजीज, किडनी डिजीज नहीं होगी बिलाल जी हाई प्रोटीन डाइट से, डोंट वरी। मिनोक्सीडिल के बारे में पूछ रहे हैं डॉक्टर, बियर्ड ग्रोथ के लिए मिनोक्सीडिल यूज कर सकते हो, बट देखिए वो बेसिकली ब्लड फ्लो बढ़ाता है बस, देखिए बियर्ड के लिए बात हुई तो बियर्ड ग्रोथ हो जाएगी उससे, दैट्स गुड, टेम्पररीली आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, कर सकते हो, मेरा आई डोंट थिंक कोई ज़्यादा नुकसान है उसमें फिर, क्योंकि बंद करने के बाद तो बियर्ड ऐसी चीज़ है जो उम्र के साथ बढ़ेगी आपकी, बालों में होता है एलोपेची एलोपेशिया आपका, लेकिन बियर्ड में मुश्किल है, सो दैट इज़ ओके, यू कैन ट्राई दैट, बट मेक श्योर मिनोक्सिडिल कुछ लोगों में नुकसान भी करता है, साइड इफेक्ट भी करता है। फोन आ गया, हेलो। हाँ कविता बताओ। कल बेटा मैं मॉर्निंग में हूँ, 8 से 9 कर लो, सुबह 8 से 9 कर लो, या फिर इवनिंग में, कल भी वैसे ही, परसों भी वैसे ही, ठीक है? सैटरडे तो वही सही रहेगा। ठीक सैटरडे तो फुल डे, ओके। हेलो, हाय गाइस, सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था, फिर से एक और बार कॉल आ गया था। देखिए डॉक्टर का फ़ोन बार बार बजेगा तो सॉरी, आप लोगों को डिस्टर्ब होगा बीच बीच में थोड़ा सा, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, आप पूछ सकते हो सर, पोहा और वाइट राइस में पोहा का जीआई क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स? देखिए ऐसे एक एक चीज़ का, अगर आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स, देखिए मेरे को याद नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली पोहा और चावल इज सेम थिंग, राइट? वाइट राइस पोहा इज ऑलमोस्ट सिमिलर, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, कोई कम होगा कोई ज़्यादा होगा, अल्टीमेटली उसमें कार्बोहाइड्रेट इज मच मोर देन प्रोटीन्स, आई मीन 7% के आसपास उनकी प्रोटीन्स है, और कार्ब्स की मात्रा उसमें अराउंड 50-60% के मात्रा में है, वट एवर अमाउंट।
तो ये इतने अगर इसका रेशियो कार्ब का इतना ज्यादा है तो आप सोच सकते हो कि उसकी क्वांटिटी आपको कितनी कम रखनी है। यही आइडिया है आपके डाइट का पोर्शन कंट्रोल का, राइट। सो इस तरह से सोचोगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स हर एक का देख देख के तो वो मुश्किल हो जाएगा। अल्टीमेटली इट्स वेरी सिमिलर, पोहा का और राइस का ऐसा नहीं कि जमीन आसमान का फर्क होगा, सिमिलर होगा। अब आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। बायोटिन के बारे में दोस्त एक टोटल डेडिकेटेड वीडियो है, मैं कुछ क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ जिनके बारे में मैं अभी बहुत ज़्यादा अभी नहीं बताना चाह रहा, या बता बेसिकली एक एक दो क्वेश्चन में मुझे खुद अगर इस समय कन्फ्यूजन होगा तो मैं कैसे बताऊँ। जैसे सैंडलवुड ऑयल के बारे में क्या बताना है, और फैल्गम के बारे में आपको क्या जानना है, ड्राई फास्टिंग के बारे में क्या जानना है, आप बेसिक स्पेसिफिक एक एक क्वेश्चन पूछिए। थोड़ा सा ये मुश्किल चीज़ है कि मैं पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पे समझाऊँ, आप समझ सकते हैं कि है ना बहुत सारे लोग हैं। सो उस टॉपिक के बारे में आप रिक्वेस्ट करिए तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन ऐसे मुश्किल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम, अरे भाई कितने फोन आ गए। हाँ कोमल, दीपक बताओ। हाँ बेटा कर तो दिया, अभी मैंने 2 TMT और बाकी ECG कर दिया था, 3 ECG। हाँ अभी थोड़ी देर पहले 2 TMT और 3 ECG। ठीक है। व्हाइट हेयर्स ब्लैक कैसे करें नेचुरली? वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखिए डार्क कलर हेयर्स के तो ही जाते हैं अगर मान लो आपके अंदर कोई ऑटोइम्यून डिजीज हो रही है या आपकी उम्र हो रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा उसके कारण नहीं होते। सो अगर आपके डार्क हेयर व्हाइट हेयर हो रहे हैं तो ऐसा कोई भी नेचुरल एलोपैथिक ऐसी कोई दवा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अंदरूनी उसका मेलेनिन बढ़ा दे। अगर कोई कहता है तो गलत कहता है, आप ऐसी चीज़ों पे विश्वास ना करें तो बेहतर होगा। आई होप ये चालू हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले आओ यार, कोई पता चले चालू है तो मैं, कोई इंडिकेशन नहीं है कि लाइव मतलब चल रहा है कि बंद है। एनीवेज नीचे से उठा लेते हैं, हेपेटाइटिस बी के बारे में एक वीडियो आएगा सोनू जी, इट्स गुड क्वेश्चन। बाकी अगर कोई स्पेसिफिक एक क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछ सकते हैं यहाँ पे, है ना, राइट। हाय हाय हाय, चलो चालू हो गया। इफ पॉसिबल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन ड्राई फास्टिंग एंड फैट लॉस। डेफिनेटली डेफिनेटली गुरप्रीत जी, अभी मेरा है ना कैसे बनेगी बॉडी वाली सीरीज में ये एक्चुअल डाइट के बारे में वीडियो शुरू होने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। वेरी 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 आपकी मेरी प्रोटीन डाइट, अरे अभी इस वक्त तो मैं कुछ नहीं ले रहा, बस थोड़ा बहुत मेरा क्या कहते हैं पीनट बटर चालू है। मिल्क इज़ माय फेवरेट प्रोटीन क्वाइट फ्रैंकली, सो मिल्क लेना बहुत ज़रूरी है, मिल्क और वो, और बाकी अपना खाना पीना बहुत अच्छी चीज़ है। अभी कुछ दिनों में डाइट वीडियो आएगा। कार्निटिन इज़ नॉट रिकमेंडेड, एल कार्निटिन इज सेफ्टी, तो जो दूर की बात है उसका ज़्यादा यूज़ भी नहीं है। एनीवेज विल एक्सप्लेन इट, बट मेरे हिसाब से वो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिंजर सिनेमन टर्मरिक टी ले रही हूँ, इज इट गुड टू टेक एवरी डे? बिल्कुल, देखिए जिंजर सिनेमन टर्मरिक जो चीज़ आप रेगुलरली खाने में डाल के खाते हो उसको आप वैसी खाओ कैसी खाओ क्या फ़र्क पड़ेगा, सो आप रेगुलरली ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग। जॉ लाइन शेप चेंज कर सकते हो ओनली बाय मस्क्यूलर चेंजेस, नॉट बाय बोन। बोन नहीं चेंज होने वाली, जॉ की शेप चेंज होगी अगर ये मसल मोटी हो जाए पतली हो जाए, सिर्फ मसल से, राइट, और किसी से नहीं। इसका मैंने बनाया, हाँ करण सिंह जैसे बोल रहे च्युइंगम एक्सरसाइज होगी उसकी, राइट, सॉरी एक्सरसाइज होगी। सो अगर आपका प्रोटीन इंटेक ज़्यादा है एनाबोलिज्म में है तो वो मसल ग्रो होगी, राइट, दैट इज द आइडिया। इसीलिए जो लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं ना, जम डब जिम जाते हैं, दबा दबा के दांत दबा दबा के उनकी जॉ ऐसी मोटी हो जाती है। वो था ना हीरो, क्या नाम है उसका, भूल गया मैं, वो फ्लॉप हो गया था मोहब्बतें वाला, या बड़े बड़े दांत वो वैसे, राइट। एनीवेज ऑलराइट, रनिंग के लिए प्लीज बताएं क्या करूं, इस पे डिटेल वीडियो। रनिंग के लिए मतलब क्या करना चाह रहे हो, रनिंग करो बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं है, रनिंग में क्या प्रॉब्लम है कि नहीं? रनिंग तो करना चाहिए, रनिंग इज गुड, रनिंग करिए जब मौका मिले करिए, टाइम नहीं मिलता तो अलग बात है, स्किपिंग कर लो थोड़े ऊपर। मेरे को लगता है कोई क्वेश्चन मैंने मिस कर लिए, सॉरी देखता हूँ ऊपर उठा के कोई क्वेश्चन है तो मैं ऊपर से ले लेता हूँ।
और मीन वाइल थैंक यू सो मच गाइस ज्वाइन करने के लिए, लोगों को बता दीजिएगा अब ऐसे ही इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, बीच में कभी भी हम लाइव आ जाएंगे घर से कहीं से कहीं से भी, राइट? क्योंकि देखिए सवाल का जवाब देना ज़रूरी है ना, क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल आते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि कमेंट करना छोड़ दीजिएगा मेन चैनल पे, कमेंट जरूर करना है, वहाँ लाइक जरूर करना है। उसके देखिए जो भी होता है, मेरे को यूट्यूब का इतना सिस्टम नहीं पता, लेकिन इट हैज़ सम बेनिफिट्स। सो जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे उतना लोगों के नोटिस में आएगा, उतना ज़्यादा वो होगा, प्रमोट होगा वहाँ पर, राइट? 5 साल से एक्नी है, मार्क्स है, मैंने हर मेडिसिन खा ली। जनाब मेडिसिन से नहीं जाएंगे एक्नी, ना ही मार्क से, आपको रूटीन फॉलो करनी है। मैंने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में बताया है कि एक्नी बनते कैसे हैं, एक्नी प्रिवेंट कैसे होता है। आप एक बार एक्नी की पूरी सीरीज़ देख लीजिए, उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट हो उसको पेपर पे लिखिए और मुझसे पूछिए, मैं एक एक सवाल के जवाब दूंगा। लेकिन आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए, बात समझे जी?